बढ़ते, अभी हाल ही में राजस्थान में एक और बड़ी खबर आ रही है। अभी यहाँ पर 4438 पदों पे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जिसकी परीक्षा होगी आपकी कब होगी, दिसंबर जनवरी में परीक्षा आयोजित होगी। साथ ही में इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, अंतिम तिथि 3 दिसंबर है, ये सारी जानकारी बताऊंगा। और 10वीं पास से लेके 12वीं पास आर्ट्स वाले और मैथ और साइंस वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है इसमें, 3 प्रकार की। चलिए आप लोगों को बताऊंगा पूरा जिसमें मामला क्या है और 150 नंबर का पेपर आयोजित होने वाला है। ये रहा आज ही का नोटिफिकेशन है, 29 अक्टूबर 2021 कांस्टेबल भर्ती विज्ञप्ति वर्ष 2021 जारी किया गया है। आयु सीमा वगैरह सारी जानकारी बताऊंगा। इसमें दिखाया गया है कि आप जो है फॉर्म 10 नवंबर 2021 से 3 दिसंबर 2021 तक भरे जा सकते हैं। और यहाँ पर कांस्टेबल सामान्य चालक व पुलिस दूरसंचार अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया देख सकते हैं OMR पर आधारित होगी दिसंबर और जनवरी माह में। तो दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में परीक्षा संभावित की गई है, जो कि जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई है। इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो भी होगी ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी में मिल जाएगी। फॉर्म आप SSO ID के माध्यम से भर सकते हैं। इसमें जो फीस ली जाएगी सामान्य वर्ग और राजस्थान की क्रिमिनल श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग MBC वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा 500 रुपये, उसके अलावा आर्थिक पिछड़ा वर्ग राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग MBC अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शहरिया सामान्य अन्य जिनके जो है 2,50,000 से कम जो है आय है उनको 400 रुपये यहाँ पर फीस जमा करनी होगी। तो ये इम्पोर्टेंट था, इसके अलावा और भी क्या है वो सारी जानकारी आपको बताऊँगा। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी करनी और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए गुड न्यूज, डाउनट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां अंग्रेजी के टॉप टीचर्स एकदम बेसिक से अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप में से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अभी जाइए और डाउनट ऐप पर कोर्स अभी खरीदिए, अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउनलोड पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर भर्ती हेतु यहाँ पर बताया गया है कि इन पदों में उत्कर्ष खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित 62 पद जो है सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये पद वगैरह देख सकते हैं आप जिले वाइज, जैसे कि आयुक्तालय जयपुर में, जयपुर ग्रामीण, जिला करौली, जिला भीलवाड़ा, तो इस प्रकार यहाँ पर ये सारे पद वगैरह आपको बताए गए हैं। ये जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं, 26 प्रकार की जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं। ये पद भी दे रखे हैं आपको कैटेगरी वाइज, ये देख सकते हैं आप टोटल यहाँ पर इस प्रकार के पदे 3536। फिर आगे भी नीचे अलग अलग वैकेंसी में कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार, अलग अलग के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। TSP एरिया में भी यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, इसको आप डाउनलोड करके ज़रूर देखना। इसके अलावा यहाँ पर और भी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। महिलाओं के लिए यहाँ पर जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो 30% आरक्षण महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए अलग है, फिर यहाँ पर जो है डाइवर्स है उनके लिए अलग है, ये सारी जानकारी भी बताई गई है। और यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक इनके लिए 12.5% आरक्षण है। TSP एरिया को भी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज आरक्षण में बांटा गया है। तो यहाँ पर और भी देख सकते हैं, जो बाहरी राज्य के जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे वो सभी जनरल में काउंट होंगे। वेतन मान जो देख सकते हैं L लेवल, यहाँ पर Level 5 के अनुसार मिलेगा। भर्ती में जो पात्र योग्यता है वो आप देख सकते हैं, योग्यता है जिला पुलिस के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास होना अनिवार्य है जिला पुलिस के लिए, RSC या MBC बटालियन बैंड सहित के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है, पुलिस दूरसंचार के लिए आप विज्ञान से या गणित से जो है विज्ञान और गणित से आपके क्या होनी चाहिए 12वीं पास होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी जो भी आपको मैं बता रहा हूँ। और ड्राइवर वगैरह के लिए LMV यानी कि HMV यानी कि आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी और लो दोनों में से कोई। आयु सीमा जो रखी गई है आपकी 1 जनवरी 2022 के अनुसार आपकी क्या रखी गई है वो आप देख सकते हैं, और 1 साल की यहाँ पर अधिक आपको छूट दी गई है, यानी कि EWS SC ST BC MBC शहरिया वर्ग के लिए जो आयु सीमा रखी गई है ये देख सकते हैं आप। पुरुष के लिए तो रखी गई है 2/1/1998 से आप 2/1/1993 तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा पुरुषों के लिए यहाँ पर जो है सामान्य के लिए, सॉरी दोस्तों ऊपर वाले जो है सामान्य कैटेगरी की है, नीचे वाले जो आप दिखाऊंगा मैं यहाँ पर SC ST EWS BC MBC इनके लिए सभी को OBC के लिए 2/1/1993 से 2/1/1988 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है,
तो ये यहाँ पर आपके लिए बताई गई है। और इधर जो मिनिमम है न्यूनतम आप देख सकते हैं 1-1-2004 और यहाँ पर ये महिला पुलिस इसके लिए है। तो ये तो मिनिमम है 1-1-2004, तो 1-1-2004 तो सभी में मिनिमम है। मैक्सिमम जैसे सामान्य में 1998, इसमें जो है 1993 है। और राज्य सरकार के कर्मचारी संबंधित शासार्थियों और कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए मृतक पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रित हो उनके लिए 1-1-2004 तो मिनिमम है और अधिकतम 2-1-1995, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 1-1-2190 है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1-1-2004 है यहाँ पर मिनिमम पुलिस और महिला पुरुष और महिला दोनों के लिए। और पुरुषों के लिए जो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए है 2-1-1979 ठीक है, और लड़कियों के लिए भी यही रखी गई है 2-1-79। उसी प्रकार कॉन्स्टेबल चालक के लिए भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ये सारी जो है यहाँ पर दे रखी है आप लोगों के लिए। न्यूनतम जो ऊंचाई वगैरह है पुरुष के लिए 168 होनी चाहिए सामान्य क्षेत्र के लिए और महिलाओं के लिए 152 होनी चाहिए। न्यूनतम जो सीना फुलाना है 81 और फुलाने के बाद 86 मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए। महिलाओं के लिए जो है सीना नहीं फुलाना है। और वजन जो है लड़कों के लिए लागू नहीं है, लड़कियों के लिए 47.5 किलो की लड़की होनी चाहिए। तो यहाँ पर और भी क्या इंपॉर्टेंट है सारी देख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी कांस्टेबल सामान्य पुलिस दूरसंचार के लिए 150 की, कांस्टेबल चालक के लिए 150 की, बैंड के लिए लागू नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षा 30 नंबर की होगी कांस्टेबल सामान्य के लिए और कांस्टेबल चालक के लिए 20 नंबर की, बैंड वालों के लिए 20 नंबर की। दक्षता परीक्षा इनके लिए लागू नहीं है कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए। कांस्टेबल चालक के लिए 30 नंबर की है, बैंड के लिए 30 नंबर की है। एनसीसी होमगार्ड इन पुलिस वगैरह इनके लिए जो है 20 नंबर मिलेंगे यहाँ पर, इसके लागू नहीं है कांस्टेबल चालक के लिए और बैंड के लिए चालक नहीं। तो इस प्रकार 200-200 के ये होंगे और बैंड जो है 50 नंबरों का होगा। और जो आपके पेपर आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, 150-150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत अंक के लिए आपको 25% यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग है। पेपर ऑफलाइन होगा ये भी यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। इस प्रकार यहाँ पर जो है क्या क्या आने वाला है ये देख सकते हैं। विवेचना एवं तार्किक योग्यता कंप्यूटर का ज्ञान 60-60 नंबर के आने वाले, 60 अंक 60 नंबर। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषय 35 क्वेश्चन 35 नंबरों के। उसके अलावा महिलाओं से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबरों के। राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक इतिहास 45 क्वेश्चन 45 नंबरों के। 150 क्वेश्चन 150 नंबरों के आने वाले हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जो अपडेट थी वो सारी, और जो है यहाँ पर जो है आपके 5 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे फर्स्ट पेपर में फिजिकल के लिए। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई है। आशा करता हूँ सभी दोस्तों को एनसीसी के यहाँ पर 10 नंबर 8 नंबर 6 नंबर, होमगार्ड के इसी प्रकार नंबर मिलेंगे। तो ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आइको अकेडमी से अभी डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर हमारे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ कोई नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।